हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी हमेशा की तरह एक सेंटेंस की इंग्लिश मैं बनाऊंगी, दो सेंटेंसेस की इंग्लिश मैं बनाऊंगी और एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बनाएंगे। कल का सेंटेंस जिसकी इंग्लिश आपने बनानी थी वो सेंटेंस था, वे जयपुर क्यों जा रहे हैं, उसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर दे गोइंग टू जयपुर। व्हाई आर दे गोइंग टू जयपुर, व्हाई दे आर गोइंग टू जयपुर, मतलब दे अगर पहले लगाएंगे आर बाद में लगाएंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगी कि क्यों इस तरह से होता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जब से वाई डब्ल्यू एच फॉर्म जैसे कि क्वेश्चन है तो स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद हमारा आएगा दे, वाई आर दे गोइंग टू जयपुर। एक्सप्लेन करके वीडियो जो है वो बाद में बनाऊंगी, आज बस ये समझ लीजिए वाई आर दे गोइंग टू जयपुर इसका होगा आंसर। तो आज का सेंटेंसेस, हाँ जिन लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया है और पिछली वाली वीडियोज में भी जिन्होंने आंसर कमेंट सेक्शन में दिए हैं प्रॉपरली सब तरीके से अच्छे तरीके से, उनके नाम है फरा इकबाल एंड प्राची वर्मा। तो चलिए आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी एक खास मीटिंग है। जैसे कि अभी क्या हो गया कि आप दिल्ली जा रहे हो, हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आप क्यों जा रहे हो दिल्ली, नहीं आप कैसे जा रहे हो दिल्ली, मैं बस से जा रहा हूँ, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं बाई एयर जा रहा हूँ। और उसके बाद आप क्यों जा रहे हो, मतलब जा ही क्यों रहे हो, और उसके आंसर में जैसे आपने क्या बोलना होगा। जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बताना है अगर आपने कि मेरी एक खास मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको लगता है कि आपको और भी तरह से इसका सेंटेंस बनाना आना चाहिए कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रही हूँ, तो वो आप खुद से बनाने की ट्राई करिए, मेरे से चेक करवा लेना कमेंट सेक्शन में लिखकर। नहीं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि मैम अगर हमने ये लिखना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेरी एक खास मीटिंग है, समझ में आ गया है किसके आंसर में हम बोल रहे हैं कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हो, आप जयपुर क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए मेरी एक खास मीटिंग है, उसका जो इंग्लिश होगी वो होगा आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। क्या होगा, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो आई हैव की शॉर्ट फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो क्या होती है, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। स्टार्टिंग में ये बोलोगे नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बजाय अगर आप ये बोलोगे आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई हैव को शॉर्ट में कर दोगे, आई हैव, ठीक है। उसके बाद उसकी एक खास मीटिंग है, किसी वे क्यों जा रहा है दिल्ली, वो जयपुर क्यों जा रहा है, उसकी एक खास मीटिंग है। तो उसकी क्या होगी, ही हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग या फिर शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अगर बॉय के लिए बोलना है तो ही हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, गर्ल के लिए बोलना है तो शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। और ही हैज और शी हैज की जो शॉर्ट फॉर्म होती है आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो वही होती है शॉर्ट फॉर्म जो कि ही इज और शी इज की होती है। बट क्योंकि जब हमें आ जाती है ना अच्छे से इंग्लिश तो हमें पता होगा, जैसे कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो क्या है, तो अगर मैंने इस सेंटेंस के संदर्भ में मैं देखूंगी तो मुझे पता होगा कि ये ही हैज है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, ये तो पूरा हो गया फुल फॉर्म। अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो ही हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। व्हाई इज ही गोइंग टू जयपुर, ही हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, ठीक है। व्हाई इज शी गोइंग टू जयपुर, व्हाई इज शी गोइंग टू दिल्ली, शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग अगर आप बोलोगे, अगर आप ये बोलोगे शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, फर्क पड़ता है ना, फ्लो आता है ना। तो अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है नो प्रॉब्लम, फुल फॉर्म में बोलिए नो प्रॉब्लम, शी हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग या फिर ही हैज एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो जिस सेंटेंस की इंग्लिश आपने बनानी है वो सेंटेंस है उनकी एक खास मीटिंग है उनकी। अब आपको पता है कि उनकी जो है उसकी इंग्लिश क्या होती है और उसके साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, वो भी आपको पता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। जल्दी जल्दी इस सेंटेंस की इंग्लिश लिखिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट कल की वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। आई होप आपके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, नोटबुक में आप जो नोट किए हुए सेंटेंसेस हैं वो सारे सेंटेंसेस जो आप रोज 5 से लेकर 15 मिनट्स तक पढ़ते हैं, मतलब कुछ देर के लिए जरूर जरूर उस नोटबुक को खोलते हैं और सारे सेंटेंसेस को ऊंचा ऊंचा रीड करते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर करो, किसी के साथ प्रैक्टिस करो, अकेले बैठ कर करो, मिरर के सामने नहीं आपको मिल रहा मौका, बट करनी है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप करोगे रोज थोड़े थोड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस तो आपको एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी, मतलब कल ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। लाइक कर लेना इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम हो इस चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की वीडियोज मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। शेयर भी कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ, मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता शुरुआत कैसे करें। हमने शुरुआत करी है छोटे छोटे सेंटेंसेस से,
छोटी छोटी चीज से लेकर ही बड़ी चीज पे जाते, सीधा बड़ा बड़ा से स्टार्ट करना जो है ना वो एक तरह से नामुमकिन टाइप सा हो जाता है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।